हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके पार्टनर्स आपके लवर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सो आप लोगों ने करना या गाइज, ये है कोई क्राइटेरिया नहीं है इस रीडिंग का। बस आपका जो जेंडर है वो मेल फीमेल और सेम जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आपका स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है, मेरे चैनल पे जितनी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस है और सबके लिए ओपन है। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। सो जितना रेजोनेट करेगा उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट करें, ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरे इंस्टा पे, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे जरूर फॉलो करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, चाहे वो आपका फियोंसी है, आपका कोई भी पर्सन है, आप लोग देख सकते हो। बस ये रीडिंग जो है वो क्रश के लिए नहीं है। क्रश के लिए रीडिंग आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन करें, जो है टैरो 313 हिंदी उर्दू, ठीक है। वहाँ पे क्रश की डेली रीडिंग्स जो है वो अपलोड की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव जजमेंट, नंबर 20 यहाँ पे है, 20 एज, 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से, सैगिटेरियस स्टार साइन हो सकता है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 21 एज हो सकती है इस पर्सन की, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10, 26 एज हो सकती है, 26 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 नंबर किसी तरह से इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे हमारे पास 543 है। नंबर 5 की एनर्जी है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो स्टार साइन है, यहाँ पे सैगिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यस, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग दिख रही है यहाँ पे, लाइक सैगिटेरियस की एनर्जी है और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इस टाइम आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। आप लोगों के पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, चाहे आपके हस्बैंड थे, आपका सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड या वाइफ के दरमियान। तो ये आपकी जो जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, आपके लवर हैं, आपके पार्टनर्स हैं, ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा इनको गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा है, ठीक है। इन्होंने आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यस, उस टाइम इन पर्सन को जो अच्छा लग रहा था ये वो कर रहा था, आप लोग जी रहे हो, मर रहे हो। इस पर्सन ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आप उनके बिना कितना हेल्पलेस फील करोगे, ठीक है, और ये आपको छोड़ के चले गए। तो अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है, काफ़ी गिल्ट हो रहा है इसको आपको छोड़ने का, आपके साथ ना बात करने का, बिकॉज मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि जैसे ये अपने कहीं ना कहीं अपने कार्मा फेस कर रहे हैं। इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन कि इसने गलत किया है, अपना गिल्टी फील कर रहा है ये पर्सन आप लोगों के साथ बुरा करके। जजमेंट एंड विल ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये पर्सन अपना किया भुगत रहा है गाइस। इनको अब फील हो रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन ने जैसा किया ये पर्सन अपने कार्मा भुगत रहा है। बहुत बुरी तरह से यूनिवर्स इस पर्सन का टेस्ट ले रही है, इस पर्सन का पेशेंस ले रही है, चेक कर रही है इस पर्सन का पेशेंस कि ये पर्सन ने क्या कुछ किया और किस हद तक इस पर्सन में इतनी कैपेसिटी है कि ये क्या चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा फेस इस पर्सन का इस टाइम चल रहा है, काफ़ी रफ एंड टफ सिचुएशन चल रही है, और ये उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी याद कर रहा है, पुरानी मेमोरीज याद करता है इस पर्सन ने, जो आपके साथ बुरा किया है उसको भी याद कर रहा है, और जो आपके अच्छा किया उसको भी याद कर रहा है। और ये आप दोबारा से आप लोगों के साथ ठीक करना चाहते हैं अपनी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको, ये पर्सन अब अच्छे से ठीक करना चाह रहा है कि आपकी पास्ट की मिस्टेक जो इसने काफ़ी लेसन लर्न की हैं पास्ट से, तो ये चाहते हैं कि पास्ट की गलतियों को आप इनकी माफ़ कर दो और इनको एक मौका दो ताकि दोबारा से आपका यूनियन हो सके। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि किस्मत आपको एक मौका देगी ज़रूर, और आप लोगों का इस पर्सन से मीटिंग ज़रूर होगी, और ये चाहते भी हैं कि आपकी मीटिंग हो, किस्मत इस पर्सन को मौका दे और ये पर्सन आपके साथ दोबारा से कनेक्शन ठीक कर सके, बिकॉज इनको दिख रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। वैसे भी जजमेंट एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, ठीक है। एक सोल कनेक्शन है जो कि आप इस पर्सन की सोल को आप काफ़ी फुलफिल करते हो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी उदास हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये आप लोगों की बात नहीं हो रही ना, इसीलिए काफ़ी मिस कर रहे हैं ये आपको इस टाइम। देन वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव टेम्पटेशन। यस, ये पर्सन काफ़ी पोजेसिव हो रहे हैं, काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। नाइट टाइम में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप लोगों के लिए फील करते हैं, और रात को बहुत ही ज़्यादा ये चाहते हैं कि आपकी बात हो। मे बी आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज टू थे इनसे रात को फ़ोन पे या मैसेजेस पे बात करने को, ये आपसे काफ़ी बात की करते थे रात को, ठीक है। लेकिन इनको ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई और ना आ गया हो। यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ आगे कनेक्शन को यूनियन करना चाह रहे हैं।
यूनियन भी करना चाह रहा है ये पर्सन, और अगर आप अनमैरिड हो तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना, आपको मैरिज या फिर इंगेजमेंट की एक ऑफर देना चाहते हैं ये पर्सन, आपके साथ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको इस कनेक्शन में जीत मिले, ये पर्सन सक्सेसफुल होना चाहता है इस कनेक्शन में कि आपके साथ कनेक्शन बने, इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्सन, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, और वैसे भी इनको दिखता है कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज ऑन अकाउंट कॉन्टम्पलेशन मोड, ठीक है, ये अपने बहुत ज़्यादा अब सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, किस तरह से कनेक्शन को अब बेटर किया जा सकता है। 24 एज हो सकती है, 42, 26, 66 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 24 या 44, 44 एज हो सकती है इस पर्सन की, 20 प्लस भी दिख रहा है मुझे ये पर्सन, या इन्होंने चीट किया गाइज आपको, हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ कनेक्शन में चले गया था या फिर किसी और के पास चले गए थे और उस चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है, काफ़ी टेम्पटेड हो रहा है गाइज। जब फुल मून होता है ना इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई हो जाते हैं आप लोगों को लेके, और इस टाइम भी काफ़ी अप्स एंड डाउन इस पर्सन के इमोशंस में चल रहे हैं, आप लोगों के बारे में काफ़ी फील कर रहे हैं, दैट्स वाई। चलिए कुछ और मजीद जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, काफ़ी टेम्पटेड तो हो रहा है गाइज ये पर्सन, ये पर्सन आपको पाना चाहता है, एक आप कह लो लाइक के इस पर्सन की काफ़ी ना एक सेक्चुअली आप लोगों को लेकर इमोशंस हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप लोगों ने अपना रोमांटिक इनकाउंटर किया, या फिर आप लिव इन में हो सकता है इस पर्सन के साथ रहे हो, दैट्स व्हाई ये पर्सन उन मेमोरीज को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ थे तो आपके दरमियान जो भी रोमांस होता था, फिजिकल कनेक्शन था, ये उस पर्सन उस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके बच्चे हैं और आप सेपरेशन में चले गए हो तो ये अपने बच्चों को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके साथ साथ, आप लोगों के साथ इनका एक हैप्पी फैमिली जो थी, एक दूसरे के साथ खुशी हंसी रह रहे थे, उन चीज़ों को काफ़ी मिस कर रहे हैं, हो सकता है इनको किसी ने आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया था, आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया, दैट्स वाई इन्होंने आपको छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, और आप काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, आई लव यू बोलना चाहता है ये पर्सन आपको, 20 यहाँ पे भी है, 20 ये भी है, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस पर्सन की अपनी एज हो सकती है, एम्ब्रेज योर इमोशंस, ये अपने इमोशंस जो हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके इमोशंस को बिल्कुल भी लाइट या मजाक में ना लो, बल्कि उन इमोशंस को एक्सेप्ट करो, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको ये पावरफुल वर्ड्स आपको बोलना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप कितना लव करते हैं। 29 एज भी हो सकती है इस पर्सन की, 49 एज भी हो सकती है इस पर्सन की, एंड देन वी हैव 27 स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये पर्सन आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है गाइस, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, ऐसा कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं जो इस दुनिया से आगे का कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक लॉन्ग लाइफ टाइम कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। अगेन नंबर 9 की एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, और ये पर्सन और आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है इस टाइम, दैट्स वाई आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ये पर्सन इस टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे है लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ होगे, आपका यूनियन होगा, आपकी शादी होगी, आपकी इंगेजमेंट होगी इस पर्सन से, ये पर्सन ड्रीम कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ड्रीम करते हो तो हर चीज़ जो है वो पॉसिबल होती है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा जब आप ड्रीम करोगे, ड्रीम कर रहे हो इट मीन्स आप पॉजिटिविटी दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वो चीज़ें 5D से 3D लेवल पे रियलिटी में स्टार्ट हो जाती हैं, करके देखिएगा ये, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, 40 एज हो सकती है इस पर्सन की, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 444 की एनर्जी है यहाँ पे, यस ये जो है स्टेबल करना चाहते हैं, 4 इज द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन, एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप, यस ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन कुछ लोगों का फ्रेंड भी था, फ्रेंड प्लस लवर वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, पहले आप फ्रेंड जोन में थे, फिर आपकी आपस में प्यार हो गया, ठीक है, तो रिलेशनशिप बन गई और अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहा है, देन वी हैव हीलिंग, यस आप इस पर्सन को हील कर रहे हो गाइस, डेफिनेटली एक हीलिंग कनेक्शन है, आप लोग इनको काफ़ी हील करते हो और ये जानते हैं कि आपके कनेक्शन में आके ये काफ़ी खुद को हील फील करेंगे, हो सकता है आप लोग जब पहले फ्रेंडशिप जोन में भी थे तो आपने इनको काफ़ी हील किया है, अपने दिल की काफ़ी बातें ये आपसे कर लेते थे, ट्रूथ किसी तरह का सच बोलना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं आप लोगों को, या फिर आई फील है कि इस पर्सन को इस कनेक्शन की रियलिटी फील हो गई है,
सच्चाई पता चल गई है कि ये कनेक्शन जेन्युइनली आप लोगों के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये एक सोलमेट का कनेक्शन है और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि आप लोग चाहे जितना मर्जी दूर चले जाओ फिर भी ये पर्सन आप लोगों के से डिटैच नहीं हो पाएगा। मेमोरीज आपको याद कर रहे हैं। अगेन हमारे पास पीछे भी सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट में बिताया हुआ टाइम आपके साथ याद कर रहे हैं, और याद कर करके ये पर्सन काफ़ी उदास हो जाता है, फिर आपको और ज़्यादा याद करना शुरू कर देता है, और फिर इस पर्सन का दिल चाहता है कि आपके साथ यूनियन हो जाए और आप दोनों के दरमियान सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएँ, जैसे आप लोग पहले कभी ठीक एक दूसरे के साथ थे। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, काफ़ी मिस कर रहे हैं, ताकि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ ठीक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आई वांट टू सी कि यहाँ पे इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, या फिर ये क्या एक्शन ले सकते हैं आप लोगों की तरफ। द सन सोलमेट का एनर्जी है यहाँ पे गाइज, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून पीछे भी है और इधर भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर आपके साथ बनाना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते भी हैं, तो विद इन वन ईयर मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ जो है ना कहीं मैरिज तक लेकर जाएगा ये बात। ठीक है, ये चाहते हैं कि किस्मत इनको चांस दे ताकि इनकी लाइफ में खुशी आए, और आपका आपके साथ प्यार जो इनका ओवरफ्लो जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये वो चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो, और आफ्टर मैरिज आपकी यहाँ पे पहला जो बेबी होगा वो बेबी गर्ल हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।